Yahoo! इस हॉस्टल में आने के लिए सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जिस अगर बुकिंग से booking.com से या अगोडा से अगर आप बुक कर रहे हैं हॉस्टल तो आप सबसे पहले उनका फ़ोन नंबर लें और उनको कॉल करें क्योंकि ये हॉस्टल है 8th floor पे तो उनको पता नहीं चलेगा नीचे से एंटर होने के लिए जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक डोर हैं यानी कि जिससे कार्ड से ओपन होते हैं सर जब तक आपके पास कार्ड नहीं होगा वो डोर ओपन नहीं होगा तो उनको आप कॉल करें कॉल करेंगे तो वो रिसेप्शन से ऊपर 8th floor से नीचे 4th floor पे आएगा तो फिर आपको वो लेके चलेगा ऊपर तो वैसे अगर आएंगे तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्किंग आवर्स में आएँ ये कार्ड है हॉस्टल का ऑसम स्टे के नाम से हॉस्टल आई है असल में तो ये कार्ड से ही सिर्फ आप एंटर हो सकते हैं ये कार्ड आप टैप अप करेंगे तो फिर डोर ओपन होगा ये स्विमिंग पूल है जो इसके अंदर ऊपर टॉप पर यह उसके वर्किंग आवर्स हैं जो कि 37th floor पे 7 AM से 2 AM तक ओपन होता है और ऑपरेटिंग आवर्स है 7 AM से 2 AM चाइल्ड बिलो 12 ईयर से जो नीचे किड्स हैं वो नहीं जा सकते उस पूल में और ये 37th floor पे है 37th पे जिस पे हमने जाना है जो कि इन्फिनिटी पूल है वाओ क्या बात है ये सामने पूल आ गया अगर आपने स्विमिंग करनी है तो आपको प्रॉपर ड्रेस ही लेना पड़ेगा तो हमेशा प्रॉपर ड्रेस के साथ ही यहाँ पे अलाउ कर देती है अलाउ किया जाता है स्विमिंग के लिए ओके हेलो सर पूल दिस वन वेरी नाइस है यू वांट टू यूज टू दिस मस्ट नायलॉन वन जस्ट ओके बाय चलो ओ ये है मज़ा जी इसलिए ये हॉस्टल बुक किया था और कोई वजह नहीं थी रहने का इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं आया अगर आप सफाई सुथराई का नंबर दोगे आप तो मैं 4-5 दूंगा और कोई इतना अच्छा स्टाफ नहीं है इतना कोऑपरेटिव नहीं था बहरहाल ठीक था कुछ मामला में आपको अपना आप वो भी देखना होता है कि यार हम कहाँ पर रह रहे हैं और क्या करना है कुछ लोकेशन के भी बिल्कुल पैसे होते हैं जैसे इसके अंदर ये पूल में लोकेशन मिली है तो ये बहुत ही मज़ेदार पूरा यहाँ से कुआलालंपुर का व्यू नज़र आ रहा है और ये यहाँ पे बालकनी है हो वाव यहाँ से पूरा कुआलालंपुर का व्यू नज़र आ रहा है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे वो मैं आपको लाजमी बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपके पास नायलॉन का ये होना चाहिए नीचे पहनने के लिए ट्राउज़र और ट्राउज़र नहीं होना चाहिए उसको नी से ऊपर होना चाहिए मुझे बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है और दूसरा आप शर्ट नहीं पहन सकते कॉटन का बिल्कुल अलाउ नहीं है शर्ट नहीं पहन सकते और जब आप यहाँ पे आएँ तो टॉवल ले कर आएँ अब मैं टॉवल का वेस्ट कर रहा हूँ उससे पहले मैं अंदर जाने वाला हूँ इंतज़ार नहीं हो रहा क्योंकि इतना मज़ेदार इन्वायरमेंट है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से पूरा कुआलालंपुर का और बड़ा ही खूबसूरत ये पूल है बहुत ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा ये है पूरा कुआलालंपुर
ये टोटली कोलालंपुर और बड़ा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत ही खूबसूरत, और पूल का तो क्या मैसिव व्यू है, और पानी बहुत मज़ेदार है, ठंडा ठंडा सा, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे कोलालंपुर में इंजॉय करने का। एक वेदर भी बहुत मज़ेदार मिला है आज, और पूल का पानी तो सारी थकावट उतर गई है, इतने दिन से जो थकावट थी वो एक जब फर्स्ट व्यू देखा मैंने तो बिल्कुल मज़ा आ गया। A1 याहू सारा कैमरा गीला हो गया। आई एम फ्रॉम चाइना। चाइना नी हाओ। यस थैंक यू। पूल बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्ज नहीं, बस आपको हॉस्टल बुक करना है, और ये हॉस्टल मुझे पड़ा है कोई पाकिस्तानी 2500 रुपीज़ में। पहले जब मैं बुकिंग कर रहा था इस हॉस्टल की, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, उसके बाद जब मैंने इसकी बुकिंग फाइनलाइज करने लगा तो मैंने कहा यार मैं थोड़े दिन तक करूँगा, क्योंकि मैं बिजी था कुछ प्रोजेक्ट्स में तो मैं बुकिंग नहीं कर सका इसकी। तो उसके बाद जब मैं बुकिंग फाइनलाइज करने लगा तो इसके जो चार्जेस थे वो बढ़ गए, यानी कि पहले वाले चार्जेस से ज़्यादा हो गए। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज़ का ये हॉस्टल मिला, क्योंकि मैंने लेट बुकिंग की थी। तो 3000 के बाद, उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला मुझे जो नज़र आया वो उसमें ब्रेकफास्ट नहीं था। पहले जब मैं बुक कर रहा था तब साथ में ब्रेकफास्ट भी था। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जल्दी बुकिंग करें ताकि आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें। How are you, friend? Where are you from? Hi, I'm from Aziz. Nice to meet you. Are you enjoying over there? Yeah, I'm enjoying. Tell us about this pool. This is nice pool. It's called the Infinity Pool. Yeah, Infinity Pool. Yeah, Infinity Pool. There is a nice view over here. We can see a large building, Manara Tower over there, UKG over there. Just a nice view. Really nice view. Yeah. Thank you. ये पूल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस वाले पार्ट में जो हाइट है वो ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पे वीडियो भी बना रहा था। तो एक उधर उस साइड पे एक पार्ट है जहाँ पे हाइट पानी की कम है, जहाँ पे जिनकी हाइट कम है वो भी वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर थोड़ी हाइट ज़्यादा है, और पीछे एक बार है जहाँ पर आप ड्रिंक्स बाय कर सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर पीछे ड्रिंक्स बाय कर सकते हैं। और ये साथ एक वाटरफॉल है इधर। व्यू बहुत ही अच्छा है, पूरा कोलालंपुर ही तकरीबन नज़र आता है, हर सब बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, JKT ट्विंस टावर और KL टावर सब कुछ यहाँ से। और ये सामने जो है बस स्टेशन है जिसका नाम पुत्रा बस स्टेशन है, तो बिल्कुल इधर कॉर्नर पे है। अरे भाई स्विमिंग हो गई, सब कुछ हो गया। ओके बाय बाय। स्विमिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब जो है नीचे जाना है अपने हॉस्टल में, और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए जाना। लिफ्ट आ गई है, वाह, और जाना है हमें फोर्थ फ्लोर पे। रात के वक्त पूल का जो टाइमिंग है वो 10 PM तक है। 10 PM के बाद आप स्विमिंग नहीं कर सकते, इसके अंदर नहा नहीं सकते, सिर्फ 10 PM तक।
बाकी 2 AM तक इसका टोटल टाइम है। 2 AM तक ये है कि आप यहाँ पर बैठे हैं। नाइट में बहुत ही मज़ेदार व्यू है बैकग्राउंड पे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और ये पीछे एक बार है ड्रिंक्स बाय करने के लिए, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स और अगर किसी ने अल्कोहल ड्रिंक्स पीनी है तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और नाइट में तो क्या कमाल सीन है, ये नीचे पूल है और ये पीछे खेल टावर, हेंट्रोस टावर, सब कुछ पीछे टोटली मलेशिया नज़र आ रहा है। जो मलेशिया का दिल है ना वो यहाँ से है।